डे हम मना रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि पब्लिक में आयुर्वेदा के प्रति अवेयरनेस की जाए ताकि आयुर्वेदा को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लोग उसको फॉलो करें, क्योंकि सब लोग परिचित हैं कितने साइड इफेक्ट्स हैं एलोपैथी के और कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं ये नहीं कह रही एलोपैथी गलत है, एमरजेंसी के लिए हमें चाहिए, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी तो आप आयुर्वेद को यूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। दूसरा, आयुर्वेद में अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा WHO ने दी है वो आयुर्वेद में 5000 साल पहले सम धातु सम मल क्रिय, यानी कि जिसके दोष धातु और मल क्रिय, जिसका पेट साफ होता है, जिसके सारे आजकल हेल्थ सिर्फ लैब के टेस्ट से देखते हैं, जिसके सारे देखते हैं, डॉक्टर पेशेंट आते हैं मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं कि मैम ये रिपोर्ट देखो, अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो आप ठीक हो, ऐसा नहीं है। अगर रिपोर्ट ठीक होने के बावजूद आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं और आपका डेली अपने आप पेट साफ हो रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, स्वस्थ जो है उसको मानसिक तौर पर भी देखना है, आत्मिक तौर पर भी देखना है, शारीरिक तौर पर भी देखना है। खाली शारीरिक स्वस्थता स्वस्थता नहीं है, अगर आपको हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस खा रहा है अंदर से, तो चाहे आपकी लैब के टेस्ट नॉर्मल है आप स्वस्थ नहीं है आयुर्वेद के बॉडी में। अब तो WHO की भी यही डेफिनेशन है, तो इस चीज को हमें अपनी लाइफ में लाना है। और जो आयुर्वेद का ये कोर्स है बिल्कुल इक्वली MBBS के अकॉर्डिंगली 5.5 साल का कोर्स है, उसके बाद 3 साल के बाद ये रेगुलर प्रैक्टिस के बाद डॉक्टर्स फील्ड में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रेफरेबली अगर आप डिग्री देखें तो बेटर है, क्योंकि आजकल क्वैक्स बहुत हैं और लोग बहुत ज्यादा मिसगाइड भी होते हैं हर्बल के नाम पर, किसी को कुछ भी नहीं पता, वो लोग पार्क्स के बाहर जूसेस बेच रहे हैं और पेशेंट भी ले रहे हैं, पेशेंट नहीं तो सिंपल लोग भी हेल्थी रहने के लिए। ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ भी अगर ले रहे हैं तो एटलीस्ट किसी फिजिशियन की सलाह ले लीजिए। ये भी एक पूरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको ऐसे ही नहीं कि आप सोचेंगे मैं नीम का पानी पी रहा हूँ तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा, मैं हेल्दी वाला दूध पी रहा हूँ तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा। ये एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम है मेडिसिन का, जिसमें हर एक पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। आपकी 7 तरह की प्रकृति है, वात पित्त कफ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको हमें डाइट बतानी है, आपका दिनचर्या बतानी है, आपकी मेडिसिन बतानी है। ये खाली एक दवाई देना और एक मसाज सिस्टम तक सीमित नहीं है आयुर्वेद, इसमें और भी बहुत कुछ पर्सनलाइज अप्रोच है। पर्सन टू पर्सन प्रिस्क्रिप्शन वेरी करता है, लोग व्हाट्सएप पे इतनी मेडिसिन फॉरवर्ड करते हैं वो ये नहीं जानते कि जो ले रहा है वो इसी प्रकृति का है या नहीं है, तो शायद आप उसको अमृत नहीं प्वाइजन फॉरवर्ड कर रहे हो। तो हमेशा अगर आप आयुर्वेद का कुछ भी ले रहे हो तो एक बार अगर किसी डॉक्टर को मिल लो तो सोने में सुहागा होगा, तो आप असली आयुर्वेद को अपना पाओगे। ये आजकल जो ये थ्रेट हो रहा है आयुर्वेद के लिए, जितना आयुर्वेद प्रॉस्पर कर रहा है उतना ही इस चीज से वो नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग उसको फैला तो रहे हैं और वो नेगेटिव तरह से भी फैल रहे हैं। दूसरी बात एक और जो कॉमनली आजकल देखने में आती है कि लोग अगर किसी ने भस्म दे दी और किडनी का किसी ने टेस्ट करवा लिया तो वो बोलते हैं मेरी किडनी में हैवी मेटल्स मुझे नहीं लेने, ये प्रॉब्लम आ गई, लिवर में प्रॉब्लम हो गई। अगर आप कई चीजें ऐसी रूटीन में ले रहे हैं जिसमें आपके पेस्टिसाइड वेजिटेबल्स में हैं या फ्रूट्स में हैं, तो हैवी मेटल्स तो आप वहां से ले रहे हैं, आपने कैसे प्रूव कर दिया कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से हैवी मेटल्स आपके अंदर गए? तो इसलिए ये जो मिथ है पब्लिक के दिमाग में, इसको आप तभी रिमूव कर सकते हैं अगर आप मेडिसिन किसी भी फिजिशियन से ले, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ले। ये जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है वो इसीलिए बताई है क्योंकि आजकल हर एक आदमी डॉक्टर है इंडिया में, किसी को अगर तुलसी पता है तो वो 50 लोगों को बताएगा, ये नहीं पता कि वो तुलसी किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। अगर हल्दी पता है, मैं उसको 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जैसे लोग आम एडवाइस करना शुरू कर देते हैं आप हल्दी वाला दूध दो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अनमेरिड गर्ल्स को हल्दी वाला दूध कभी भी नहीं लेना चाहिए कंटिन्यूस यूज के लिए, ये उनके लिए बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। और जैसे एलोवेरा है, प्रेग्नेंट लेडीज को एलोवेरा जूसेस नहीं पीने चाहिए, इवन जिनको पीरियड ज्यादा आते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, इनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ये मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो लोग बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के इन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं ये उनके लिए पॉइजनस हो सकती है। इसलिए आयुर्वेदा कम्प्लीटली सेफ है बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन। ये मेरा थीम था आयुर्वेदा डे का, जो आज का एक थीम है आयुर्वेदा डे का, लॉन्गेविटी थ्रू आयुर्वेदा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु लंबी हो और आप स्वस्थ जीवन जी सके तो आप आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं। सुबह उठिए, जो मैं एक नॉर्मल सी दिनचर्या बता रही हूँ, अपनी आईज की प्रिवेंशन के लिए आप नस्य यूज कर सकते हैं, जिससे नोज में आपको 2-2 बूंद दोनों सुबह ऑयल डालना चाहिए, बादाम का तेल हो सकता है, गाय का घी हो सकता है। दिमाग जो हमारा धीरे धीरे 40-50 ईयर्स की एज के बाद हम भूलना शुरू कर देते हैं, तो
उसके लिए बहुत अच्छा है, फेस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, और भी कई चीजें हैं जिनके लिए नस्या ट्रीटमेंट, जिसको प्रतिवर्ष नस्या बोलते हैं। पहले लोग नोज में ऑयल डालते थे सुबह उठते ही या घी डालते थे, तो वो बहुत अच्छा होता था, तो आजकल भी आप लोग कर सकते हैं उसको। मसाज अगर आप डेली बॉडी पे ऑयल लगाते थे, हमारी मसल्स की सर्कुलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे मसल्स को टोन अप करने के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड जो चीज है, अगर हम आईज को डेली वॉश करते हैं सुबह मुंह में पानी भर के, वो आईज की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। और अगर आपका पेट साफ नहीं होता, एक और मिथ है पब्लिक में, सुबह 8-8 ग्लास पानी पीते हैं उठ के, ये पीना इसे अब तक ठीक नहीं है। जितनी आपको प्यास है उतना पानी पीजिए, बिना प्यास के अगर आप पानी पियेंगे तो किडनी में भी लोड पड़ेगा, और आपके कई लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए तो एक प्रॉब्लम है, खुद डॉक्टर मना करते हैं कि आप इतना पानी मत पीजिए, एक लिमिट बताते हैं कितना पानी लेना है आपको। तो ये चीजें जो लोग जो कॉमन में लोग एडवाइस करते हैं, ये आपको किसी डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर लेनी है। तो अगर हम अपने धर्म, अर्थ और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी जिंदगी का मेन एम है, वो चीजें हम आयुर्वेद से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ होगी तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है आज कि अपनी लाइफ में आयुर्वेद को लाइए और स्वस्थ रहिए, ताकि आप दीर्घायु हो और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। आप सबका धन्यवाद, और आप हमें प्रेज लेंगे आयुर्वेदा के प्रति, जिससे आप अपनी लाइफ में अपने आयुर्वेद को इम्प्रूव कर बात।